नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों को नहीं मिलेगी सैलरी। यूपी के कर्मचारी और अधिकारियों को दिया गया आदेश, सैलरी नहीं मिलेगी अगर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक नहीं दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की संपत्ति पर सरकार की नजर रहेगी। बड़ा आदेश दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। अब कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। 31 अगस्त तक देनी होगी जानकारी। जानकारी ना देने पर नहीं मिलेगी अगस्त की सैलरी। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी जानकारी। यूपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उनको जल्द से जल्द ब्यौरा देने का आदेश दिया गया है। अगर अधिकारी और कर्मचारी 31 अगस्त तक संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं करते उन्हें अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें IAS PCS के साथ अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो IAS PCS के साथ अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां जल्द से जल्द चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से। और 31 अगस्त तक अगर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।